अगर जयराम मातो अगर प्रत्याशी देते हैं तो क्या आप उसको जिताएंगे? हाँ, पूरा कोशिश रहेगा। कौन है प्रत्याशी इस क्षेत्र में? जयराम मातो का यानी कि देवंती मुंडा का प्रभाव है। पब्लिक एक्शन न्यूज जनता की आवाज में आप सभी को स्वागत है। अभी हम लोग बुंडू में हैं और बुंडू में यहाँ जयराम मातो कुछ ही देर में आने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन यहाँ पे आवाज के कारण पीछे में है, तो यहाँ पे जयराम मातो को लेके आए हैं। तो यहाँ कुछ लोगों से बात करते हैं, क्या रैली में जयराम मातो को पहली बार आ रहे हैं कि पहली बार आ रहे हैं? कैसे लगता है जयराम मातो? बहुत अच्छा लगता है। आपका विधानसभा कहाँ है? तमाड़ विधानसभा। तमाड़ विधानसभा। क्या तमाड़ विधानसभा से अगर जयराम मातो अगर प्रत्याशी देते हैं तो क्या आप उसको जिताएंगे? हाँ, पूरा कोशिश रहेगा। कौन है प्रत्याशी? दमयंती मुंडा। दमयंती मुंडा। हाँ, दमयंती मुंडा का चल रहा है इधर में। हाँ, कि विकास मुंडा को? नहीं, अभी उसका नहीं चला। विकास मुंडा का नहीं चलेगा? अभी नहीं चला। विकास मुंडा ऐसे क्या हुआ था, किया था जो आपका काम नहीं किया? जो आधा किया था पूरा किया था, लेकिन हम लोग इधर कुछ काम ही नहीं किया, कुछ गाँव भी नहीं गया, घुसने भी नहीं गया, किसी को देखरेख में हम लोग उसको देखने भी नहीं पाए। पांच साल में आप विकास को नहीं देखे? आँख से नहीं देखे हैं। अच्छा, और कौन पार्टी यहाँ पर है? अभी तो आंसू है और जमीएम का ही बलवाला, दोनों का होता है, टक्कर भी होता है। जमीएम पार्टी से विकास मुंडा है, तो क्या उसको विकास मुंडा को दोबारा नहीं लेके आएंगे? दो बार तो हो गया उसका। दो बार हो गया, इसीलिए इस बार तीसरा देख रहे हैं। कौन है? दमयंती मुंडा का ही। अच्छा, इस आज का ये को लेकर क्या कहना चाहेंगे? आज का जो रैली है आज जो हो रहा सभा, ये सभा हो रहा है सबको समझाने के बुझाने के लिए, हम लोग को खतियानी के स्थानीय नियोजन। क्या नाम हो आपका? नरेंद्र नाथ महतो। मातो जी ने बोल रहे हैं कि दमयंती मुंडा को इस बार मौका दिया जाएगा, काहे कि विकास मुंडा को हर एक बार मौका देते हैं। ये क्या बोलते हैं, क्या किसको मौका देना इस बार? देखिए, अभी तो टाइम है ना, तीन महीना बाकी है। आपका क्या मुद्दा है? अभी मुद्दा तो अभी देखिए, नया अभी जयराम मातो आए हैं हम लोग का ग्राउंड में, उसी को भाई एक बार देख लेते हैं। वैसे तो बहुत ऐसा, आपका पास क्या काम नहीं हुआ जो आपको यहाँ पे? क्या तो देखिए, कुछ काम नहीं हुआ। काम क्या काम करता है इधर का विधायक? कुछ काम नहीं किया विधायक, कुछ भी नहीं काम किया। जितना वादा किया था, इतना सारा वादा, 5 लाख नौकरी कुछ में से कुछ नौकरी मिला इधर? कुछ नहीं, नौकरी तक नहीं। भाई कैसे स्कूल, कैसे चल रहा है स्कूल? तो स्कूल भी वही है, स्कूल वगैरह में ये बच्चे लोग मतलब विधायक लोग ना देखने आते हैं? नहीं, कभी नहीं। स्कूल बंद है, चलेगा? टीचर नहीं है, मतलब यहाँ पे शिक्षा स्थिति बदल। मिडिल स्कूल है, वहाँ एक टीचर है, क्या करेगा बताइए? तो मतलब मिडिल स्कूल में 5 क्लास तक में एक ही टीचर है, क्या करेगा? कितना टीचर होना चाहिए? कम से कम 5-6 तो होना चाहिए। शिक्षा भी यहाँ पे बुंडू क्षेत्र में बदहाल है, हर एक ये में। अच्छा, विधायक जी लोग अपना बेटा लोग को कहाँ पढ़ाते हैं? हम लोग इधर उधर प्राइवेट में। विधायक जी लोग उसका तो छोटा छोटा है अभी। मुखिया का? मुखिया कहाँ पढ़ाता है सबको? तो कहाँ, प्राइवेट में कि सरकारी में? सब प्राइवेट में पढ़ाता है। आप हम लोग भी प्राइवेट में पढ़ाते हैं, झूठ का क्या करेंगे, हम मास्टर नहीं है तो। ठीक है, चलिए। यहाँ पे शिक्षा यानी कि सरकार के भरोसे में शिक्षा नहीं है कुछ, या और लोगों से बात करते हैं, कुछ बोलना चाहेंगे? खड़े होइए, कुछ मैसेज दे दीजिए। छोड़ दीजिए, नहीं बोलेंगे भैया, काय नहीं बोलेंगे। देखो, कोई नहीं बोलना चाहेंगे, काहे कि न्यूज में अभी कोई बोले नहीं है। कुछ मैसेज देंगे भैया? नहीं, ये लोग सिर्फ जयराम को देखने आए हैं, मैसेज नहीं देंगे। कुछ मैसेज देंगे? काहे नहीं देंगे? जयराम को चाहते ही नहीं आप? चाहते हैं तो, जयराम को चाहता है लेकिन बोलने से दिक्कत है। चले उधर, मैसेज दे दो। इस बार का क्या मूड है यहाँ, इस बार बुंडू तरफ का लोग? मूड तो इतना नहीं है हम लोग यहाँ। आपका कितना साल हो रहा है? मेरा हो रहा है 16 साल। आपका तो वोट देने का भी अधिकार नहीं है? हाँ, अभी तो नहीं है, 18 साल के बाद हो जाएगा ना। हाँ। क्या लगता है कौन आएगा इस बार? अभी तो देखते हैं, अभी मैंने देख तो रहे हो, 3 महीने चुनाव बाकी है ना। हाँ। क्या कौन आएगा इस बार? देवंती मुंडा को देंगे, अभी देखेंगे इस बार देवंती मुंडा को देंगे। हाँ। तो आज जो देवंती मुंडा को देने का बात हो रहा है, क्या ये विकास मुंडा जी काम नहीं किए? वादा किए थे, पुराने किए हैं। क्या क्या काम होना चाहिए था?
वहाँ पर मतलब स्कूल उसको बनवाना चाहिए था, पर अच्छा से स्कूल नहीं बना है और रास्ता भी ना अच्छा, रास्ता तो अभी बना है। बंद करिए, ठीक है बंद करिए। तो यहाँ पे हम लोग से बात करते हैं, क्या इधर पाइए, क्या जयराम तो आप लोग चाहते ही नहीं है, मतलब भीड़ बढ़ाने के लिए आए हैं, थोड़ा थोड़ा बोलिए, मुंह छुपा के बोल दीजिए, क्या दिक्कत है, अच्छा से बोलिए, बोलिए, बोल रहे हैं इसको, क्या नाम हो आपका? मेरा तो गुलाब मुंडा नाम है। अच्छा मुंडा जी, यहाँ पे जिस प्रकार से अभी है, अभी आप लोगों का यहाँ का स्थिति कैसा है, मतलब अभी जो सरकार चल रहा है वही ठीक है कि नया सरकार आना चाहिए? है, वो तो नया सरकार आना चाहिए, क्या कि पुराना सरकार में अभी कोई काम कुछ विशेष करके नहीं हो रहा है। हाँ, तो जितना भी जुआ है जो भी है सब चाहता है कि मतलब नया सरकार आए और अच्छा से काम ढंग से काम हो, हमारे झारखंड को बचाए, झारखंड जो जा रहा है बिक रहा है सब कुछ रहे, पहले जो नेता सब है सब देखिए किसी कोई घोटाला है। आज का सभा जो आए हैं वो आपको लाया गया है कि आप खुद से आए? नहीं, हम अपने से आए हैं देखने के लिए, जयराम महतो का प्रोग्राम देखने के लिए, जयराम महतो का बहुत नाम सुने हैं इसलिए हम सोचे कि चलो एक झलक देख के आते हैं भाई जयराम महतो कैसा है। इस क्षेत्र में जयराम महतो का यानी कि देवंती मुंडा का प्रभाव है? उतना तो हमको जानकारी नहीं है, लेकिन आपके क्षेत्र में आप जिस गाँव में रहते हैं? हाँ, उस क्षेत्र में तो उतना जानकारी नहीं है, लेकिन वो क्षेत्र मुंडा का क्षेत्र है। तो मुंडा तो देवंती मुंडा जी उतरेंगे ना? हाँ, अभी तो देवंती मुंडा उतरे हैं, तो हो सकता है अभी प्रचार होगा उधर, बैठक उठक होगा, चाहे कोई चर्चा वर्चा होगा, उसके बाद ही जयराम मुंडा का, जयराम महतो का ही होगा। चलिए ठीक है मुंडा जी, है ना, आगे भी हम लोग बात करेंगे। जिस प्रकार से हम लोग देख रहे झारखंड सरकार में, क्या अभी वही सरकार चलना चाहिए कि बदलाव होना चाहिए? बदलाव बिल्कुल, बदलाव न्यू सरकार है, टाइगर जयराम महतो आना चाहिए झारखंड में, तब झारखंड सुधरेगा, अन्यथा जैसे चल रहा है वैसे चलते रहेगा। जैसे झारखंड में खनिज संपदा है इतना 40% है, सब लुटाते जाएगा और झारखंड के आदमी को बोका बनाते जाएगा सरकार। अभी जो हेमंत सोरेन जी पद लिए हैं, कैसा लगता है, हेमंत सोरेन को रहना चाहिए था कि चंपा सोरेन को रहना चाहिए? अभी तत्काल में अभी चंपा सोरेन को ही रहना चाहिए, कोई परिवारवाद बात चल रहा है इसमें, कहे कि वो जेल से निकल गया नहीं, हेमंत सोरेन कैसे रहेगा, वो बताइए आपने। पद तो ले लिया, अभी पद तो ले लिया, वो मान रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो अभी जयराम का ये मैं अभी सभा में आए हैं, तो हाँ। क्या मैसेज देंगे आप लोग युवा लोगों को? इस बदला महासंकल्प सभा में आए जितना भी आए हुए दर्शक बंधुओं को यही कहना चाहता हूँ कि सभी को एक तरफा होके जयराम महतो को जिताए। जयराम महतो का ऐसा क्या मुद्दा है जो जयराम महतो को आगे बढ़ाना स्टिक रहेगा? जयराम महतो ऐसा एक शख्स है जो विस्थापन हुआ जैसे हर तरह की चीज आवाज उठा रहा है, हर तरीका से आवाज उठा रहा है, विस्थापन से शिक्षा नीति हुआ, जैसे लूटा जा रहा खनिज संपदा, हर चीज से लूटा। क्षेत्र का शिक्षा नीति कैसा है? एकदम बिल्कुल बर्बाद है, एकदम बिल्कुल बर्बाद। सरकारी स्कूल में कैसा टीचर है, कितना 10-10 टीचर है कि नहीं है? ना बिल्कुल ऐसा कहा, 10-10 संभव ऐसा जयराम आगे तभी संभव ना, बिल्कुल संभव नहीं है। अच्छा, शिक्षा का भी बदहाल है एकदम, सबका चौपट। अभी जो जिस प्रकार से हम लोग बोला जा रहा है कि जेएमएम माटी की पार्टी है, है ना, जेएमएम यानी कि आदिवासी मूलवासी की सरकार है, क्या आदिवासी मूलवासी का सरकार विकास नहीं कर पाया है? आदिवासी मूलवासी का बेटा है सही में है, और शिबु सोरेन भी वो आंदोलनकारी है, लेकिन वैसा नहीं हो रहा है, वैसे काम नहीं हो ना, बिल्कुल नहीं। चलिए आगे भी बात करेंगे। अभी जो बुंडू में आप लोग यह महासभा यानी कि आए हैं जयराम महतो का, क्या आप लोग क्या लगता है कि पहले सरकार से उब गए हैं फिर आए हैं या जयराम महतो को देखने आए हैं? बिल्कुल पूरी तरह से सरकार से तनाशा करके हम लोग उब चुके हैं, खासकर हम लोग जुआ वर्ग स्टूडेंट लोग पूरा उब चुके हैं। देखिए पेपर लीक बार बार हो जाए, नौकरी को बेचा जा रहा है, जुआ के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर चुके हैं हम लोग, इस सरकार से या पूर्व सरकार से भी हम लोग उब चुके हैं। अब हम लोग युवाओं का सरकार बनाएंगे और नया सरकार का हम लोग निर्माण करेंगे, टाइगर जयराम महतो का निर्माण करेंगे हम लोग। टाइगर जयराम महतो में क्या ऐसा खूबी है जो सरकार में आएंगे तो ये सारा मतलब आप लोगों का ये मांग पूरा करेंगे? टाइगर जयराम महतो हम लोग झारखंड के माए माटी के हैं, पढ़े लिखे नौजवान हैं, जानकारी रखते हैं, तो
एक युवाओं का जो दर्द होता है, स्टूडेंट का खासकर जो दर्द होता है, बेरोजगारी का जो दर्द होता है, उनको वो समझेंगे, वो बात रखेंगे जाके या विधानसभा में हम लोग का, और आगे काम करेंगे युवाओं के लिए। चलिए अच्छी बात है, युवा लोग बोल रहे हैं कि इस जो सरकार चल रहा है, ये तो हम बोलना ये चाहेंगे जो जो हेमंत सोरेन का सरकार है, अभी तो आदिवासी मूलवासी का सरकार है, कोई मातो कुछ मातो लोग विधायक बने हुए हैं और कुछ आदिवासी लोग भी है, यानी कि अभी तो वही है ना सरकार। जी वही है सरकार, लेकिन ये सरकार पूरी तरह से बिक चुकी है अपने पूंजीपतियों के साथ, और मिल कर देखिएगा क्वेश्चन एडमिट कार्ड मिल रहा है मुख्यमंत्री का, ये से मालूम नहीं कि ना याद नहीं आ रहा है, उन लोग वहाँ से एडमिट कार्ड मुख्यमंत्री के पास से ईडी एडमिट कार्ड गिरफ्तार कर रहा है, तो सरासर इन लोगों को नौकरी को बेच दिया जाता है झारखंड के भविष्य के साथ। अभी अभी तत्काल में यानी कि झारखंड में राजनीति उतल पुतल हुआ है ना, हेमंत सोरेन जेल से निकल गया, आप चंपा सोरेन ये मुख्यमंत्री से हट गए हैं, हेमंत सोरेन आ गए हैं, उसको क्या देखते हैं आप? जी तो पूरी तरह से परिवारवाद है कुछ, जैसे चंपा सोरेन पूर्व मुख्यमंत्री थे, इनका कुछ हुआ नहीं, लेकिन ये जबरदस्त सोरेन कैसे थे, बहुत अच्छे थे, अपने जितना भी कार्यकाल किए 6 महीना 5 महीना जिसमें बहुत अच्छे काम किए हैं सब सब तरह से, जैसे हम लोग स्टूडेंट भी मिलने भी एक बार गए थे उनसे, मिला कि नहीं? हम मिले थे, हम लोग बात रखे थे उनसे, कोशिश किए थे आप लोग का बात रखने के लिए कि जो समस्या समाधान करेंगे, वो लोग पूरी तरह से ऐसे छूट मतलब आराम से मिल पाए, हम लोग बात को रख पाए उनके साथ, बहुत अच्छे अच्छा लगे थे। क्या हुआ नाम? मेरा मनोज कुमार, विधानसभा सिल्ली। यहाँ पर भी लोग हैं, यह विकास कैसे हुआ, किस किस प्रकार विकास हुआ है? विकास से नहीं हो रहा है, विकास नहीं हो रहा, विकास मुन्ना जी विकास नहीं किए हैं? हाँ किया है, कुछ तो नहीं किया है, लग तो रहा है कि विकास हुआ है। नहीं हुआ है। क्या स्कूल ठीक ठाक है? स्कूल कहाँ ठीक ठाक है जी, स्कूल रहने से होगा थोड़ा, कुछ काम ही नहीं हो रहा है, कुछ लड़का सब बर्बाद हो रहा है, वैकेंसी ना निकल रहा है, सब बर्बाद हो रहा है। आज कहाँ निकल रहे, रोज तो 2 महीना आगे निकला था। कौन सा विधानसभा है? टमाड़ विधानसभा। टमाड़ विधानसभा, टमाड़ विधानसभा से ऐसे क्यों नेता नहीं हो जो आप लोगों का काम कर रहा है? तो नहीं करेगा, विकास भी नहीं करेगा, जय हेमंत सोरेन भी नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। हेमंत अभी तो चंपा सोरेन कुछ दिन था, अभी फिर चंपा सोरेन का लुटा गया, उसका लुटा गया, कौन लूट लिया? वो हेमंत सोरेन लुटेगा कौन? अच्छा लूट लिया तो अच्छा किया कि नहीं? ना कोई नहीं किया है, अच्छा है, अभी नहीं किया है जी, नहीं किया है ना। अच्छा कौन है, हेमंत सोरेन ठीक था कि चंपा सोरेन ठीक था? चंपा सोरेन भी नहीं किया है, चंपा सोरेन ठीक था कि नहीं? ना कोई नहीं था यहाँ। तो अभी किसको आप उम्मीद करेंगे, इस बार 3 महीना बाद चुनाव है, देखेंगे उसको किसको करेंगे, सब मिलेगी, हम मेरा करने से नहीं, कहने से ना होगा ना, आप एक वोट से चेंज हो जाता है, बदलाव होता है, सुने कहा करें? हाँ वो तो सही बात बोल रहे हैं। तो क्या क्या बदलाव होना चाहिए आपके हिसाब से बताइए तो? क्या बताएंगे, क्या काम नेताजी को क्या काम करना चाहिए? बहुत काम करना चाहिए, कहाँ से क्या, कृषि पे क्या काम किया? कृषि से कुछ नहीं मिल रहा है हम लोग का। मेरा कहने का मतलब है, मान लिया आपको हम विधायक बना देते हैं तो आप क्या काम करेंगे? जो काम करना है उसको करना चाहिए। क्या काम बोलिए तो? नहीं यार क्या बोलेंगे चाहिए इसको। चले ठीक है, ये एक दिन का विधायक बनना भी नहीं चाहते हैं और ना ही इसको मतलब भी है, मतलब उतना नहीं है, जहाँ तक है कि ये बोलना भी नहीं चाहते हैं, फिर भी हम सोच रहे हैं कि जनता को बुलवाएंगे, काहे कि जनता जब तक बोलेगा नहीं तो फिर नेता सुनेगा नहीं, पहले बोलना पड़ेगा, है कि नहीं? आप कुछ बोलेंगे, मैसेज दीजिए, आपका बच्चा कहाँ पढ़ता है? बस मिडिल स्कूल में पढ़ता है, स्कूल में सरकारी में ना, सरकारी स्कूल तो ठीक ठाक है। कहाँ ठीक ठाक है, शिक्षक नहीं है, शिक्षक नहीं है, 8 क्लास होगा, 3 शिक्षक पारा शिक्षक में पढ़ाई होगा। बोले तो कभी इसमें सरकार बोला होगा कि शिक्षक देंगे? कहाँ शिक्षक, बहालिए तो नहीं हो रहा है, तो कहाँ से देगा? बहालिए नहीं हो रहा, भेज रहा है बाहरी को। तो आप शिक्षा व्यवस्था से खुश हैं? खुश कैसे रहेंगे, से बच्चा को पढ़ाइए ना, पढ़ाई करके क्या होगा, नौकरी में नहीं जा रहा है तो क्या होगा? बोलिए। और बाकी सारा कृषि वगैरह? कृषि में भी कहा, पानी उनी का कोई ठिकाना नहीं, व्यवस्था नहीं है, सिंचाई का व्यवस्था नहीं है उतना हम लोग का, तो मतलब सारा व्यवस्था नहीं है आप? नहीं है। तो कैसे जी रहे आप लोग, अपने भरोसे? अपने भरोसे जी रहे हैं, जैसे ऐसे वैसे करके। चलो क्या नाम हुआ? मेरा जन्मंजय महतो। उठाइए हाथ को एकदम, एक भी हाथ नीचे नहीं, एक भी हाथ नीचे नहीं, ठीक है, देखिए एक भी हाथ नहीं, एकदम ऊपर।